माई चैनल, मैं हूँ आपकी प्लस साइज स्मृति अरोड़ा। सो कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे। एंड फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम सो सॉरी, मैं बहुत दिनों के बाद आई हूँ आप लोगों से मिलने, आप लोगों से बात करने। सो गाइज, जैसे कि आप लोगों को पता है कि अभी मेरे कंडीशंस क्या चल रहे हैं, तो यार सीरियसली मतलब ना कुछ भी करने का मन नहीं करता, कैमरा तक उठाने का, वीडियो बनाने का बिल्कुल मन नहीं करता। सारा दिन मेरा मतलब ऐसे लेजीनेस में बीत जाता है, जैसे मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ अपनी पहली वीडियोज़ में। हाँ, मेरे पास बहुत सारे DMs आए थे एंड YouTube वीडियोज़ में भी मेरे पास क्वेश्चंस आ रहे थे, जो कि 3-4 क्वेश्चंस थे, बट मैं आपको अलग अलग वीडियो में उन चीज़ों का आंसर दूंगी। सो फर्स्ट क्वेश्चन ये था, मैं उनका नाम डिस्क्लोज़ नहीं करूँगी, जो कि वो मैसेज मेरे Instagram DM पे आया था और मेरे YouTube पे भी आया था, एंड वो क्वेश्चन मेरे हस्बैंड के DM पे भी आया, हस्बैंड की ID पे। तो आई एम जस्ट शॉक कि यार मतलब लोग कैसे पूछ लेते हैं, लाइक ठीक है उन्होंने पूछा, अच्छी बात है। तो मैंने सोचा कि आज मैं पहला आपसे इसी चीज़ के ऊपर हम बात करेंगे। सो उन मैम का ये क्वेश्चन था कि क्या आपने IVF कराया है, बिकॉज 7 ईयर के गैप में आपने सेकेंड बेबी किया है, तो आपको कंसीव करने में कोई प्रॉब्लम तो नहीं आई, या आपने इतना लंबा गैप क्यों लिया, मतलब उनके इस तरीके से क्वेश्चन था, या आपने IVF कराया, बिकॉज आई थिंक कि उन्होंने जैसा बताया कि वो भी सेम कंसीव कर रहे हैं, आई थिंक 5 या 6 ईयर बाद, बट उनका कंसीव नहीं हो रहा। तो उन्होंने मुझसे ये क्वेश्चन पूछा, तो मैंने बोला ठीक है मुझे इस टॉपिक पे बात करनी चाहिए। सो इसलिए मैंने कहा कि मैं एक वीडियो बनाती हूँ, आप लोगों के साथ ये बात डिस्क्लोज करती हूँ। जैसे कि वैसे तो आप लोगों ने मेरी ऑलरेडी वीडियोज़ देखी हुई है, तो मैंने आप लोगों को बता दिया है कि मैंने IVF नहीं कराया, और ऑब्वियस है दिस इज़ माय नेचुरल कंसीविंग, मैंने ऐसा कुछ भी नहीं कराया या, और जबकि मैंने बताया कि मुझे तो अपने कंसीविंग का हमारा कुछ ऐसा प्लान नहीं था, हमने कुछ सोचा नहीं था, बस जस्ट नेचुरली हो गया, तो हमने एक्सेप्ट कर लिया, क्योंकि अभी हम लोग बिल्कुल भी रेडी नहीं थे, बट ठीक है भगवान ने जो दिया उसको हंसी खुशी रख लो, तो बस हमने तो ऐसा ही किया है। बट हाँ, ऐसी प्रॉब्लम आती है और आजकल सबसे ज़्यादा आ रही है, तो मैंने सोचा कि क्यों ना हमें इस टॉपिक पे बात करनी चाहिए। तो यस, ऐसा होता है, क्योंकि मैंने भी सुना है जिन जो मेरी गायनिक हैं उन्होंने मतलब उनके पास में काफ़ी केसेस देखती हूँ, ऐसा होता है यार फर्स्ट बेबी बहुत नॉर्मली हो जाते हैं, कंसीविंग हो जाते हैं, बट सेकेंड बेबी में इश्यूज आते हैं, ठीक है, कंसीव करने में, स्पेशली जब आप बहुत लंबा गैप ले लेते हो, ठीक है। तो फर्स्ट रीज़न जो मैंने मतलब मैंने उनसे पूछा भी था कि ऐसा क्यों होता है, तो फर्स्ट रीज़न उन्होंने मुझे बताया कि फर्स्ट रीज़न होता है एज, ठीक है, जो कि बहुत मैटर करता है हमारी प्रेगनेंसी जर्नी में। तो आपने सुना होगा हमारे मतलब पुराने लोग जो मतलब पुरानी जो दादियाँ नानियाँ मम्मी हमेशा ये बोलती है, हमारी शादी हो रही है तो शादी जल्दी कर लो, बच्चे जल्दी कर लो, बिकॉज वो लोग सही कहते हैं यार आफ्टर 30 ना आपकी बॉडी में इतने कॉम्प्लिकेशंस आ जाते हैं कि आप एक बेबी को कंसीव करना मतलब ये होता है कि पूरी बॉडी की जान निकलना, ठीक है। जब मैं अभी इस एज में हूँ या मतलब मेरा जो फर्स्ट प्रेगनेंसी थी सेकंड थी सेम, तो ही मुझे इतनी डिफिकल्टी लगी, जबकि उस टाइम मेरी एज कुछ भी नहीं थी, लाइक आई एम जस्ट आई थिंक 21 ईयर्स ओल्ड जब मेरी फर्स्ट प्रेगनेंसी थी, ठीक है। तो उस टाइम मुझे इतनी प्रॉब्लम है, चूँकि मैं इतनी छोटी एज में थी, एंड अभी भी मेरे साथ सेम हो रहा है, अब जब मेरे को 7-8 ईयर्स हो चुके हैं और अभी भी मुझे वही सेम कंडीशंस मुझे थोड़ा सा कैरी करने में मुश्किल होता है, तो मैं सोचती हूँ कि यार आफ्टर 30 ना आपकी बॉडी ना पूरी तरीके से टूट जाती है, ठीक है। तो आपको कंसीविंग करने में बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन आती है, और आपने देखा होगा आफ्टर 30 आपकी प्रेगनेंसी एक हाई रिस्क प्रेगनेंसी बन जाती है, तो वो सबसे पहले रीज़न ही होता है। एंड सेकेंड रीज़न क्या होता है कि कुछ कुछ जो हमारी बॉडीज़ होती है, जैसे कि जब हमारी फर्स्ट डिलीवरी होती है, ठीक है, तो हम ना उस फर्स्ट डिलीवरी में ना हम अच्छे से रिकवर नहीं कर पाते, कई बार कुछ फैमिलीज इश्यूज भी होते हैं, ठीक है, हमें इतना अच्छा रेस्ट नहीं मिल पाता, या आप कुछ भी कह सकते हो, लाइक क्योंकि हमने वो चीज़ें हमें खाने पीने की नहीं मिली अपनी फर्स्ट डिलीवरी के टाइम पे, पोस्ट डिलीवरी की हमें वो सारी चीज़ें नहीं मिला, खाना पीना वो टेक केयर नहीं मिली, तो हमारे काफ़ी ऑर्गन्स ना मतलब हिल जाते हैं, हारमोन्स इनबैलेंस हो जाते हैं, इस वजह से वो सेकेंड प्रेगनेंसी हम जब भी कंसीव करना चाहते हैं तो हमें वो इश्यूज़ आते हैं, ठीक है। थर्ड होता है कि गैप, ठीक है। तो फर्स्ट थिंग तो मैं खुद बोलूँगी कि मैं खुद और लंबा गैप लेना चाहती थी, बट ठीक है भगवान ने दे दिया, बट नहीं, अगर आप लोग चाहते हो कि आपने कंसीव करना है तो ना जल्दी जल्दी फर्स्ट से सेकंड बेबी के एज में कर लो। जैसे कि आपको पता है, इफ़ अगर आप
सी सेशन हो, तो सी सेशन में आपको 2 से 3 ईयर्स का गैप लेना होता है, ठीक है, और नॉर्मली 5 ईयर्स का भी डॉक्टर्स बोलते हैं, मतलब सी सेशन में डॉक्टर कहते हैं आप लोग ज़्यादा गैप लो। इफ़ अगर आप नॉर्मल डिलीवरी हो तो कोई इशू नहीं आता, अगर आप चाहते हो कि 1 साल 2 साल 3 साल में जब भी आप प्लान करना चाहते हो तो आप कर सकते हो। तो मैं ये बताना चाहूँगी कि अगर आपका सी सेशन है तो आप 2 से 3 साल का गैप ज़रूर लो, बिकॉज़ क्या होता है कि जो हमारे स्ट्रेचेस होते हैं वो उस टाइम ना थोड़े मतलब गीले गीले होते हैं, काफ़ी न्यू होते हैं, और उनको ना अच्छे से उसको होने दो, सूखने दो, उसको अच्छे से डिसॉल्व होने दो, उसके बाद हम लोग सेकेंड में भी, क्योंकि अगर आपने फर्स्ट आपका सिजेरियन है और आफ्टर बिफोर मतलब इन बिटवीन आप 3 ईयर्स कंसीविंग कर लेते हो, तो आप ये ध्यान रखना 101% कि आपका सेकेंड भी सिजेरियन ही होगा। वो रीज़न यही होता है बिकॉज डॉक्टर चांसेस नहीं लेते, स्टिचेस बहुत न्यू होते हैं, हमें ऐसा फील होता है कि हाँ उस टाइम तो हमें ऐसा फील हो रहा है नए में 3 महीने 4 महीने बाद आफ्टर सिजेरियन की हमारे स्टिचेस सूख चुके हैं, अब हमें कोई इशू नहीं हो रहा, कोई पेन नहीं हो रहा, बट ऐसा नहीं होता। इंटरनल जो हमारी बॉडी के अंदर होता है वो अभी तक भरा नहीं होता। लाइक मेरे अगर मैं अपनी बात करूँ तो मेरा भी सिजेरियन हुआ है, तो मेरे फर्स्ट प्रेगनेंसी में और सेकेंड प्रेगनेंसी में 7 ईयर्स का गैप है, बट फिर भी जैसे जैसे मेरा बेबी ग्रो कर रहा है, जैसे जैसे मेरा टमी मतलब बढ़ रहा है, तो मुझे स्टिचेस में हल्का हल्का पेन स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। तो मुझे इस चीज़ का थोड़ा सा डर लग रहा है कि जैसे मेरे ज़्यादा डेज नियर आते रहेंगे तो मेरा उस टाइम क्या हाल होगा, बिकॉज अभी तो मेरा जस्ट सेकेंड ट्रेमेस्टर चल रहा है, फिर मेरे को मतलब थोड़ा सा ये है कि थर्ड ट्रेमेस्टर में क्या होगा, तो आप उस चीज़ का ध्यान रखो। तो ये चीज़ मैं आपको बता चुकी हूँ। हाँ, अगर आप नॉर्मल डिलीवरी हो तो भी आप 2 से 3 साल का, वो सिर्फ 2 से 3 साल का गैप इसलिए कहा जाता है नॉर्मल में, अगर हम अपने टाइम की बात करें तो हम लोग एक दो साल के गैप में, 1.5 साल के गैप में हो जाते थे ना हमारे भाई बहन तो। लेकिन अब क्या होता है कि अब ना एक बेबी कैरी करना ना बहुत ही ज़्यादा बहुत ही मतलब बहुत ही बड़ा इशू बन चुका है, बिकॉज यार आजकल की जैसे लाइफ हो गई हमारी, तो सॉरी उस चीज़ को लेके हमें थोड़ा सा डिफ़िकल्ट होता है कि यार अभी बेबी छोटा है तो हमें दूसरा करना, तो उस चीज़ के अकॉर्डिंग वो आप अपने अकॉर्डिंग देख सकते हो। बट हाँ, अगर आप चाहते हो ना कि आपने सेकेंड बेबी कंसीव करना है तो आप जल्द से जल्द कंसीव कर लो, बिफोर 30 आप कंसीव कर लो, क्योंकि आफ्टर 30 बॉडीज़ में काफ़ी चेंजेस आ जाते हैं, बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन आ जाते हैं। जैसे मैं अपनी बात करूँ तो मुझे ये प्रेगनेंसी कैरी करना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो रहा था अभी स्टार्टिंग में, फर्स्ट ट्रेमेस्टर तो मेरा बस पूछो मत कि वो कैसे ही है, भगवान का नाम ले लेके मैंने काटा है, ठीक है। एंड सेकेंड में भी मैं थोड़ा थोड़ा परेशान रही हूँ, ठीक है, कभी मेरे बैक पेन रहती है, कभी मेरे लेग्स पेन रहते हैं, कभी मेरी बिल्कुल हिम्मत नहीं होती, मतलब बॉडी तो ऐसा लगता है कि जस्ट फिनिश्ड अप, ठीक है, तो वो वाला है हाल है। तो अगर आपने करना है तो आप जल्दी कर लो अपना बेबी, ठीक है। और सेकेंड थिंग कि जब हम दो चीज़ें मैं आपको क्लियर कर चुकी हूँ कि हमें ये कॉम्प्लिकेशंस क्यों आते हैं अपनी सेकेंड प्रेगनेंसी में, जो कि मुझे मतलब ये चीज़ फील होती है कि हाँ यार अगर हमने फर्स्ट प्रेगनेंसी इतनी जल्दी कंसीव कर ली थी और इतनी अच्छे से हो गई थी तो सेकेंड में इशू क्यों आ रहा है। मतलब बहुत सी लेडीज़ मैंने देखी है सेकेंड के लिए भी उनको काफ़ी मेडिसिन उनकी चलती है, ठीक है, या उनको अपना IVF कराना पड़ता है। तो यस, और IVF यार बहुत ही ज़्यादा मतलब टफ है, जो जितना मैंने अब तक IVF के बारे में सुना है या देखा है तो वो बहुत ही ज़्यादा टफ है। तो मैं तो यही कहूँगी भगवान सबको ना नेचुरली गोद भरे सबकी, ठीक है, क्योंकि ये प्रोसेसिंग बहुत ही ज़्यादा बुरा कह सकते हो, बहुत ही ज़्यादा बुरा है, ठीक है। तो बाकी मैं आपको अपना बता चुकी हूँ कि मेरी नॉर्मल ही कंसीविंग है, मैंने कोई IVF वगैरह नहीं कराया है, तो इस चीज़ का मैं आपको क्लियर कर चुकी हूँ। मेरी पहले की वीडियोस में आप देख सकते हो कि मैंने पहले भी बताया है ये चीज़ कि मेरी जस्ट नॉर्मल कंसीविंग है। तो थैंक यू सो मच, और मुझे मतलब आज जब मैं सबकी ऐसी बातें सुनती हूँ तो मुझे भी होता है कि चलो भगवान ने दिया तो बस नेचुरली दे दिया, एटलीस्ट ऐसी कोई मेहनत नहीं करनी पड़ी या कोई ऐसी कॉम्प्लिकेशंस नहीं आई, कोई दिक्कत नहीं आई, एंड थैंक्स टू गॉड टच वुड की बेबी हेल्थी है, कोई दिक्कत नहीं आ रही है, बिकॉज आई नो कि एज बढ़ती है तो यार कॉम्प्लिकेशंस आते ही आते हैं, तो उस चीज़ को तो करना है अब जल्दी जल्दी, बस ये सेकेंड वीक बस फिनिश होने वाला है थोड़े टाइम में, एंड थर्ड स्टार्ट हो जाएगा, तो बस थर्ड ट्रेमेस्टर में बस अच्छे से सब कुछ निपट जाए और अच्छे से नॉर्मली जल्दी से
डिलीवरी हो जाए, बेबी भी हेल्थी हो, मैं भी हेल्थी हूँ, बस मैं यही प्रेयर करती हूँ। बाकी सकते हो। और हाँ, अगर आपको लगता है कि आपकी सेकेंड प्रेगनेंसी में या फर्स्ट में भी कोई भी दिक्कत आ रही है, और ज़्यादातर पता है, मैं आपको बताती हूँ, IVF वाली दिक्कत ना फर्स्ट प्रेगनेंसी में सबसे ज़्यादा आती है। वो ये रीज़न होता है कि देखो, कुछ न्यूली मैरिड कपल्स एक चीज़ बहुत बुरी कर लेते हैं, ठीक है, क्या कि आपने आपने कंसीव करा फर्स्ट, ठीक है, बट आप नहीं रेडी हो, आप अभी प्लान नहीं कर रहे थे, बट वो अनवांटेड थी, आपने गोलियाँ खा ली, आपने उसको अबॉर्ट करवा दिया एंड ऑल। तो ये चीज़ का आप बिल्कुल ध्यान रखें प्लीज़, ठीक है, आप लोग ये गलती बिल्कुल ना करें। अगर आपको कंसीव होता है तो आप उसको रखो, अगर आपको नहीं रखना तो आप कंसीव मत करो, इस चीज़ का बिल्कुल ध्यान रखो। क्योंकि ये चीज़ भी मेरे डॉक्टर ने मुझे बताई थी कि ज़्यादातर लोग क्या करते हैं कि फर्स्ट प्रेगनेंसी हो गई है, ठीक है, अब डिलीवरी हो गई है, लेकिन सेकेंड में आके क्या करते हैं, वो प्लान नहीं करते, कंसीव हो जाता है, गोलियाँ खा ली, इंजेक्शन लगवा लिए या और इतने सारे प्रोसेस है वो करवा लिए, तो वो चीज़ ना आपकी यूट्रस को डैमेज कर देती है। आप इस चीज़ का ध्यान रखो, आपको ये चीज़ पता होनी चाहिए कि यार वो आपके यूट्रस को ना ख़राब कर रही है, ठीक है, आपके ऑर्गन्स ख़त्म कर रही है, आपके हार्मोन्स इनबैलेंस कर रही है। तो आपने इस चीज़ का ध्यान रखना है, आप इतने प्रिकॉशंस, आप प्रिकॉशंस लो, क्या दिक्कत है, अगर आपको कंसीव नहीं करना आप प्रिकॉशंस यूज़ करो। देखो आप तो चलो ठीक है, वो नॉर्मली, मतलब हम ये कहते हैं कि इंडिया में या पूरे वर्ल्ड में ये चीज़ बहुत गलत है कि हम एक चीज़ को ख़त्म कर रहे हैं, लेकिन साथ साथ आपकी बॉडी भी ख़राब हो रही है। आपने इस चीज़ का ज़्यादा ध्यान रखना है कि आपकी बॉडी ज़्यादा ख़राब होती है, तो अगर आपको नहीं चाहिए तो आप उस चीज़ का प्रॉपरली ध्यान रखो। लाइक हमने, जैसे अगर मैं अपनी बात करूँ, मेरा एक्सपीरियंस ये है कि जब मेरी मेरी फर्स्ट प्रेगनेंसी थी, सेकेंड प्रेगनेंसी तक अभी तक टच और बीच में कोई भी हमने चांसेस नहीं लिया, मैं और मेरे हस्बैंड दोनों बिल्कुल क्लियर थे इस चीज़ को लेके, बिल्कुल क्लियर कि हमने सेकेंड तब प्लान कर रहे हैं जब हम रेडी होंगे, ठीक है, ऐसी कोई गलती नहीं करनी। और मेरे हस्बैंड तो वैसे ही बहुत ज़्यादा वो है, मतलब लाइक मान लो कि अभी वाली भी प्रेगनेंसी में मैं थोड़ा सा हो गई थी कि मुझे अभी, मैं अभी प्रिपेयर नहीं हूँ, मैं अभी रेडी नहीं हूँ, बट मेरे हस्बैंड ने एक बात बोली कि नहीं, अब आ गया है तो उसको रखना है, ठीक है, अब कुछ नहीं हो सकता, तो उस चीज़ के लिए वो बिल्कुल प्रिपेयर, वो बिल्कुल ही मानते हैं। और मेरे को भी था कि हाँ ठीक है यार, अब एज बढ़ रही है, ठीक है, मैं भी एक दो साल में 30 की हो जाऊँगी, तो फिर मुझे था कि ठीक है मेरे को अब रखते हैं, ठीक है, जो होगा देखा जाएगा आगे। और हर बच्चा अपनी किस्मत लेके आता है, देखो कि क्या उसकी किस्मत में होगा। और बस यही, तो आप इन चीज़ों का ध्यान रखो, ये बस एक मेरे तरफ से मैसेज था आप लोगों के लिए, ताकि जो भी ऐसा कुछ प्लान कर रहे हैं या ऐसा कुछ चाह रहे हैं तो वो इस चीज़ का ध्यान रखें। नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ एक नया टॉपिक लेके आने वाली हूँ। सो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, और अगर अच्छा लगा हो तो लाइक, कमेंट, शेयर ज़रूर करें, एंड यस, मेरे चैनल को सब्सक्राइब बिल्कुल करें एंड शेयर ज़रूर करें। इफ़ अगर आपके कोई नॉन में है जो, जिनको ये चीज़ का प्रॉब्लम है या डाउट होता है, तो आप उन लोगों से, उन लोगों के साथ ये वीडियो शेयर करें। सो ओके गाइस, ठीक है, बाय बाय।